टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन ने 84 साल की उम्र में निर्वाण प्राप्त कर लिया है। इंदु जैन भारत के सबसे बड़े मीडिया समूह बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड BCCL की चेयरपर्सन थी, जिसे टाइम्स समूह के नाम से जाना जाता है। वो आजीवन आध्यात्मिक साधक, अग्रणी परोपकारी, कला की विशिष्ट संरक्षक और महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थी। 13 मई को उन्होंने अंतिम सांस ली। टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही थी और पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़ी हस्तियों ने इंदु जैन की निर्वाण प्राप्ति पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, टाइम्स ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती इंदु जैन के निधन से दुखी हूं। उन्हें उनकी सामुदायिक सेवा की पहलों, भारत की प्रगति के प्रति जुनून और हमारी संस्कृति में गहरी रुचि के लिए याद किया जाएगा। मुझे उनके साथ अपनी बातचीत याद है, उनके परिवार के प्रति संवेदना। इंदु जैन द टाइम्स फाउंडेशन की अध्यक्ष थी, जिसे उन्होंने ही स्थापित किया था। टाइम्स फाउंडेशन बाढ़, चक्रवात, भूकंप और महामारी जैसी आपदा राहत के लिए सामुदायिक सेवा, रिसर्च फाउंडेशन और टाइम्स रिलीफ फंड चलाता है। वो भारतीय ज्ञानपीठ ट्रस्ट की अध्यक्षा भी थी, जो प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान करता है। जनवरी 2016 में इंदु जैन को भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। इंदु जैन ने एक बार कहा था, वर्तमान में जीने का मतलब है अतीत के लिए पछतावा नहीं, भविष्य की चिंता नहीं। जीवन वही है जो अभी है। मैं एक साधक पैदा हुई थी। मैं तलाश करने के लिए बहुत जिज्ञासु और उत्सुक रही। मुझे खुश रहने और एक उद्देश्य होने के बीच कोई विकल्प नहीं दिखता। अलग अलग प्रतीत होने वाले विकल्प बस एक ही हो सकते हैं। जीवन एक अविश्वसनीय साहसिक कार्य है और आपको इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। इंदु जैन ने अपने प्रस्थान को लेकर अपने मित्रों को तैयार करने के लिए कुछ साल पहले एक पत्र लिखा था। उन्होंने इस पत्र के जरिए इच्छा जाहिर की थी कि उनकी मृत्यु का उत्सव मनाया जाए। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।